Hello students, today we shall learn about some amazing facts of brain. As we know, पूरे दिन जब हमारी body active रहती है, तब उसमें present सभी organ के साथ साथ हमारा brain भी continue work करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम जगे रहते हैं, तो हमारा brain 25 volts तक की electricity generate करता है, और इसकी help से हम एक छोटा bulb जला सकते हैं. और इतना ही नहीं, हमारा दिमाग सोते समय भी एक्टिव रहता है, तभी हम ड्रीम्स देख पाते हैं. हमारा दिमाग पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन, मसल या स्किन को इम्पल्स पहुंचाता है. उसकी स्पीड लगभग 247 से 400 किलोमीटर पर आर की होती है. तभी जलने या कटने पर हमारे ब्रेन में रिएक्शन काफी तेज होती है. ब्रेन पर एक बोनस पॉइंट, हमारे ब्रेन की मेमोरी इतनी तेज होती है जो कि एक कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती है. ह्यूमन ब्रेन में 100 अरब सूचनाएं संचित करने की क्षमता होती है. क्या आपको पता है कि पर डे हमारी 1 लाख ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर भी हम ठीक रहते हैं? बिकॉज हमारे पास 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हमेशा मौजूद रहती है. क्या आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 2 ब्रेन होते हैं? पहला ब्रेन जो हम सब जानते हैं और हमारे हेड में स्कल के अंदर है, और दूसरा ब्रेन आपके इंटेस्टाइन में होता है, आपकी गट में. और ये ब्रेन काफी हद तक आपके मूड को कंट्रोल में रखता है, आपके डिसीजन मेकिंग पर भी इफेक्ट डालता है. इसलिए आपने फील किया होगा कई बार तनाव की कंडीशन में, एग्जाम्स के टाइम में, इंटरव्यू देते समय और वाइवा देते समय आपके स्टमक में इरिटेशन होने लगती है. असल में हमारा सेकंड ब्रेन हमें अलर्ट कर रहा होता है. हमारा सेकंड ब्रेन कुछ समय स्ट्रेस में होता है, इसलिए हम स्टमक में इरिटेशन फील करते हैं. आपने फील किया होगा जब हमें भूख लगती है तो कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, और जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं. रियलिटी में हमारा सेकंड ब्रेन हमारे इंटेस्टाइन में है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंटीग्रेट होकर वर्क करता है. काफी हद तक सबकॉन्शियसली हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है. इसीलिए साइंटिस्ट आज कहते हैं कि हमारे एक नहीं बल्कि 2 ब्रेन होते हैं, फर्स्ट हेड में एंड सेकंड इन गट. हमारा ब्रेन बॉडी के 20 से 25% ऊर्जा यूज करता है और हमेशा भूखा रहता है. और अगर आप टाइम से फीड नहीं करते तो शरीर में पर्याप्त ऊर्जा न बनने के कारण ब्रेन ऊर्जा के लिए अपने ही सेल्स को खाने लगता है, जो कि ब्रेन को डैमेज कर सकता है. अगर ह्यूमन ब्रेन में 5 से 10 मिनट्स तक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है. ब्रेन पूरे शरीर का सिर्फ 2% ही होता है, लेकिन पूरी बॉडी का 20% ब्लड और ऑक्सीजन अकेले ही यूज कर लेता है. एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 थॉट्स आते हैं, और इनमें 70% नेगेटिव थॉट्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, होप यू लर्न मैनी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेन.